श्री राधाष्टमी, राधा रानी की आविर्भाव प्राकृतिक दिवस में उसी इतिहास को पुनरावृत्ति कर रहा है। 1984 सितंबर 2 तारीख को राधाष्टमी का दिवस परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के द्वारा और अन्य जीवीसी के द्वारा द्वारका से शुरू हुई थी पदयात्रा। आज उसके 37 वर्ष पूरा हो रहा है, लेकिन और एक इतिहास रच रहा है कि नया पदयात्रा उत्कल बंग पदयात्रा इसकन मायापुर से ठीक से राधाष्टमी के दिवस जो ग्रामे ग्रामे गांव गांव में प्रचार करने के लिए निकला हुआ है। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी था पृथ्वी त्याचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मनोना। और उसी ग्राम ग्रामे ग्रामे नगर आदि ग्राम नगर नगर में हमारी बड़े बड़े इस्कन मंदिर है प्रचार हो रहा है, लेकिन गांव गांव में प्रचार करने के लिए पदयात्रा स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने लोकनाथ स्वयं महाराज को कहे थे इंट्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ पुलक काट यू मस्ट गो एवरीवेयर ऑन ट्रीज। उस समय प्रभुपाद जी के आदेश लेकर लोकनाथ स्वयं महाराज जी ने ये पदयात्रा प्रारंभ किए थे। To go to village and spread the Harinam Sankirtan. I hope that the dying more is very pleased and will take nice care of them. We hope that Nitai Gore will be very pleased and the devotees will take nice care of them. And my Lord will be on the land so that the hope is safe and happy. We hope that Srila Prabhupada will be safe and happy. In Manipur, in Bengal, in Orissa, pretty much perfect country. We know that in Manipur, in Bengal, in Orissa, it's pretty much a flat country. Some parts, other parts of India are hills and warm parts. And some places of India, there are hills, and so there's sometimes a possibility the bullock cart might go down a hill or something. But here there's not so much a problem in Bengal. In Orissa. So I hope the devotees who are going with the Pariyatra stay healthy and Krishna consciousness. And Lord Nityananda, who established the Sankirtan movement in Bengal, will reunite. Thank you. Sankirtan. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. आज संपूर्ण भारतवर्ष में
सात पदयात्रा चल रहा है, ये सातवां पदयात्रा है, छह पदयात्रा चल रहा है, ऑल इंडिया पदयात्रा, आंध्र प्रदेश पदयात्रा, महाराष्ट्र पदयात्रा, गुजरात पदयात्रा, राजस्थान पदयात्रा, यूपी पदयात्रा, अब ये है उत्कल बंग पदयात्रा, जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान श्री नदिया मायापुर धाम से जगन्नाथपुरी संन्यास लेकर गए थे, उसी पद चिन्ह पर हम लोग इस पदयात्रा को लेकर जा रहे हैं। लगभग दो महीना चल पदयात्रा यहाँ से आने के लिए पहुँचेगा, कार्तिक महीना के अंत तक हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ मार्गशीर्ष मास पंचमी तिथि को श्रीक्षेत्र परिक्रमा होता है, उसी तक हम पहुँच के वहाँ परिक्रमा करेंगे, पुनः ये संपूर्ण उड़ीसा में प्रचार करते हुए पुनः बंगाल में प्रचार करेगा, इसीलिए इसको उत्कल बंग के लिए एक साल के लिए यथाशक्ति सब लोग आए महाप्रभु की आंदोलन में। और गुरु महाराज जी एक स्टिकर निकले थे, पदयात्रा इज वॉकिंग बैक टू गॉड हैंड, तो आप पदयात्रा भगवान के साथ में चलेंगे और साथ से अंत में भगवत धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा पदयात्रा प्रोग्राम के।